एर चीफ मार्शल वी आर चौधरी जणाव्युं छे के मिग 21, मिग 23 अने मिग 27 सहित मिग श्रेणी ना अन्य एरक्राफ्टनी जग्या लाइट कॉम्बेट एरक्राफ्टनो उपयोग कराशे। तेमणे जणाव्युं छे के मिग श्रेणीना विमानोने मैदानमां उतारता पहेला आपणे ए सुनिश्चित करवुं जरूरी छे के आपणी पासे पूरती संख्यामां एलसीए एरक्राफ्ट उपलब्ध होवा जोईए। अमे लगभग 100 वधु एरक्राफ्ट माटे वातचीत करी रह्या छे। ताजेतरमां ज भारते स्पेन पासेथी C-295 टेक्निकल मिलिटरी एरलिफ्ट प्लेन मेळव्युं हतुं। आ प्लेन आगामी 25 सप्टेम्बरना रोज भारतीय वायुसेनामां सत्तावार रीते जोडाशे। संरक्षण प्रधान राजनाथ सिंह हिरन एरफोर्समां C-295 प्लेनने सामेल करवानी जाहेरात करशे। ते ड्रोन शक्ति कार्यक्रममां ड्रोननी विशेषताओ अने कार्यशैली दर्शाववामां आवशे। The LCA was designed from the ground up to be a replacement for the large MiG-21 and MiG-23, MiG-27 fleet that we had. With the phasing out of all these aircraft, it is essential that we have adequate numbers of the LCA class of aircraft in our inventory. So apart from the 83 LCA that have already been contracted for, we are looking at moving a case for around 100 more aircraft. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गेए जणाव्युं छे के देशमां मोटा परिवर्तननी जरूर छे अने तेनी शरूआत तेलंगाणाथी थशे। सीडब्ल्यूसीनी बैठकमां कांग्रेसना नेता राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी सहित तमाम वरिष्ठ नेताओ हाजरी आपी हती अने 5 राज्योमां योजनारी चूंटणी अंगे चर्चा करी हती। राजस्थान, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाणा के मिजोरम होय तमाम लोको वर्तमान सरकारथी कंटाळ्या छे, जेथी हवे परिवर्तननी जरूर छे। तेमणे दावो कर्यो छे के डिसेम्बरमां योजनारी चूंटणीमां कांग्रेस पार्टी एनसी बैठकों पर जीत मेळवशे। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष बन्या बाद प्रथम वक्त आज 2 दिवसीय कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक आयोजित थई छे। हैदराबाद में आयोजित आ बैठक में कांग्रेस वरिष्ठ नेताओं लोकसभा चूंटणी ने लईने रणनीति पर मंथन करशे। 2024 लोकसभा चूंटणी माटे विपक्षी गठबंधन इंडिया की रचना बाद आ प्रथम कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक छे। आ वर्षना अंत में मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाणा और मिजोरम में विधानसभा चूंटणी छे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में हैदराबाद में आयोजित कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी सहित पार्टी वरिष्ठ नेताओं उपस्थित रहेशे। लगभग 90 लोगों ने बैठक में आमंत्रित कराया छे, जेमांथी 6 लोगों व्यक्तिगत कारणोंसर उपस्थित रहेवामां असमर्थता दर्शावी छे। रविवारे बैठक बाद सांजे सोनिया गांधी सहित वरिष्ठ नेताओं जनसभा पर संबोधित करवाना छे। आने वाले चुनाव के बारे में, जो 5 स्टेट में हमारे चुनाव है, वो चुनाव के बारे में भी हम सोचेंगे और उसके लिए क्या एक रणनीति बनाना चाहिए वो भी उसमें चर्चा होगी। बाकी जो अलायंस एंड अदर थिंग्स, वो नेक्स्ट इसमें जहां अलायंस पार्टनर के साथ बैठेंगे उस वक्त वो तय हो जाए। हैदराबाद में योजनारी कांग्रेस वर्किंग कमिटी की बैठक अगाउ सोनिया गांधी महत्वपूर्ण निवेदन आप्युं छे के कांग्रेस पार्टी तेलंगाणा अने देशना लोकोना सन्माननी रक्षा माटे विकासनो नवो अध्याय लखवा माटे संपूर्णपणे तैयार छे। कांग्रेस पार्टी हमेशा तेलंगाणाना लोकोनी आकांक्षाओ साथे उभी रही छे। हवे राज्यने प्रगति अने समृद्धिना नवा युगमां लई जवानो समय छे। तेलंगाणामां 2024ना प्रारंभिक महिनामां चूंटणी योजाशे, जेथी तमाम राजकीय पक्षो सक्रिय थशे। तमाम राजकीय पक्षों चूंटणी जीतवा माटे तेमनी व्यूहरचना पर करे छे, जेथी कांग्रेस वर्किंग कमिटी नी बैठकनुं आयोजन करवामां आव्युं छे। मल्लिकार्जुन खड़गे पण कह्युं छे के कांग्रेस आपणा महान राष्ट्रमां लोकशाही, सामाजिक न्याय, प्रगति अने समानता माटे लड़ी हती। अमे राष्ट्रीय अखंडितता अने विविधतामां एकता माटे लड़ता रहीशुं। सनातन धर्मना चाली रहेला विवाद वच्चे केन्द्रीय मंत्री अनुराग ठाकुरे कांग्रेस पर हवे बंधारणनो नाश करवानो आक्षेप मूक्यो छे। अनुराग ठाकुरे कह्युं छे के कांग्रेसना नेताओ राहुल गांधी अने सोनिया गांधी एवा लोकोने मंजूरी आपे छे जो बंधारणनो नाश करवा माटे मांगे छे। केटलाक लोको देशना विकासथी खूब खुश नथी, जेथी तेओ बंधारणनो नाश करवा मांगे छे। राहुल गांधी अने सोनिया गांधीए तेमनी पार्टीना केटलाक नेताओने आम करवानी परवानगी आपी दीधी छे। बंधारण मुजब कोईपण धर्मने अपमानित करवानो कोईनो पण अधिकार नथी। की सोच मानसिकता ऐसी है कि वो देश में विकास होते देखकर प्रसन्न नहीं है,
जो संविधान को तार तार करने की इच्छा मंसूबे लेकर है, और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी ने खुली छूट भारत के संविधान को तार तार करने की अपनी पार्टी और सहयोगी नेताओं को दे रखी है। संविधान कहीं नहीं कहता कि आप किसी दूसरे धर्म को कुचलने का काम करें। भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद जणाव्युं के विपक्षी एनडीए गठबंधन ने सनातन धर्म और भगवान राम नो अपमान कर्यो छे। त्यारे आ विषय सोनिया गांधी, राहुल गांधी और कमलनाथ ग्रुप छे, अमे आ गठबंधन ने पूछवा मांगे छे के शुं तेओ कोई अन्य धर्म ईश्वरीय प्रतीको विषय पण आ प्रकारनी टिप्पणी करशे। हिंदू आस्था प्रत्ये आ प्रकारनी टिप्पणीओने अमे सहन करीशुं नहीं, देश आवा निवेदनो स्वीकार करशे नहीं। इंडिक अलायंस, जिसे हम घमंडिया अलायंस कहते हैं, सनातन धर्म और प्रभु राम का अपमान कर रहा है उनके विभिन्न घटक। और सोनिया गांधी शांत हैं, कमलनाथ जी शांत हैं, राहुल गांधी तो खैर कमाल की चीज है, क्या बोलूं उनके बारे में। कहीं कह रहे हैं सनातन धर्म डेंगू है, कहीं कह रहे हैं वो एड्स है, क्या किसी अन्य आस्था के ईश्वरीय प्रतीकों के बारे में इस तरह की बात कर सकते हैं? उनकी हिम्मत है, करने दिया जाएगा? बिहार ना मधुबनी में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहे जणाव्युं छे के जेडीयू और आरजेडी नु कॉम्बिनेशन तेल अने पाणी जेवु छे, बन्ने क्यारे मिक्स नहीं थाय। हुं नितेश कुमार ने कहवा मांगु छू के स्वार्थ जेटलू पण होय परंतु तेल अने पाणी एक थई शकता नथी। आमा तेल ने गुमावानी कई नथी, तेल पाणी ने मेलो करी दे छे। नितेश कुमारे वडाप्रधान पदनो उम्मीदवार बनवा माटे जे गठबंधन में सामेल थया छे, परंतु ए गठबंधन तेमने पण डुबाड़ी देशे। तेमने दावो कर्यो छे के आ स्वार्थी गठबंधन बिहार ने जंगलराज तरफ आगळ लई जई रह्यो छे। आ साथे अमित शाहे तेमना भाषण में बिहार में वधती गुनाखोरी मुद्दे राज्य सरकार की टीका करी हती। ये जेडीयू और आरजेडी का जो मेल है वो तेल और पानी जैसा है, वो कभी एक नहीं हो सकते। मैं नीतीश बाबू को कहने आया हूं, नीतीश बाबू स्वार्थ कितना भी ऊपर हो, तेल और पानी एक नहीं हो सकते। और उसमें तेल को कुछ नहीं गवाना है, तेल पानी को मैला कर देता है, मैला कर देता है, मान कर चलना। आपने प्रधानमंत्री बनने के लिए जो गठबंधन किया है वो गठबंधन आपको भी डुबाने वाला है। बिहार ना मधुबनी में अमित शाहे जणाव्युं छे के स्वार्थ ना आधारे गठबंधन तैयार करवामां आव्युं छे। लालू प्रसाद यादव तेमना पुत्र ने बिहार नो मुख्यमंत्री बनावा मांगे छे, ज्यारे नीतीश कुमार वडाप्रधान बनवा मांगे छे। परंतु तेमने याद अपावा मांगु छू के पीएम पद खाली नथी, कारण के फरीवार वडाप्रधान मोदी पीएम बनशे। तुष्टिकरण नी राजनीति करी बिहार नी कमान एवा हाथों में सौंपवा मांगे छे, जे बिहार ने सुरक्षित राखी शकशे नहीं। तेमने बिहार नी तमाम 40 बैठकों पर भाजप ने जीत अपावा माटे लोको ने अपील करी हती। ये जो गठबंधन है, ये स्वार्थ का गठबंधन है। लालू जी अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और नीतीश जी हर बार की तरह प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं। नीतीश बाबू, आपकी दाल नहीं गलेगी, प्रधानमंत्री का पद वहां खाली नहीं है, वहां फिर से एक बार नरेंद्र मोदी जी बैठने वाले हैं। मित्रों, ये लोग फिर से बिहार को जंगल राज बनाने की दिशा में ले जा रहे हैं। बिहार ना मुख्यमंत्री नीतीश कुमारे जणाव्युं छे के तेओ अमित शाह सहित भाजपना नेताओना निवेदन पर ध्यान आपता नथी। भाजपना नेताओ कई पण बोले छे, तेमने बिहार मां थयेला विकासलक्षी कार्यनुं ज्ञान नथी। आ लोकोने मात्र गमे ते बोलवानी आदत छे, आ माटे तेमनी कोई वेल्यू नथी। अमे अलग अलग राजकीय पक्षोने एकजूट करी रह्या छे अने माटे तेओ परेशान थई गया छे। सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब कोई ज्ञान है? बिहार का कितना ज्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है? कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? इन लोगों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते हैं हम देखते ही नहीं जाते। आपको पानी अंड बंड बोलना है तो ऐसे ही बोलना है, तो क्या मतलब इसका? इसलिए उन लोगों का कोई वैल्यू नहीं है। अब आजकल परेशान है, हम एकजुट कर रहे हैं ना कई दलों को, तो जब एकजुट हो रहा है तब लोग घबराहट में है।
बिहार ना पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी केंद्र सरकार पर आकरा प्रहार कर्या हता। तेमने जणाव्यु कि सरकारे मोंघवारी अटकाववा माटे कोई खास पगला लीधा नथी। देशना लोको चूंटणी मां तेमने जवाब आपशे। भाजपना लोको कहे छे कि पीएम मोदी फरीवार वडाप्रधान बनशे। तेनो अर्थ ए नथी कि तेओ पीएम बनशे। केंद्र सरकार जम्मू काश्मीर मां चूंटणी केम करावी रही नथी, मणिपुर मां हिंसा केम बंद थई रही नथी, बिहारना लोको चूंटणी मां भाजपने पाठ भणावशे। महंगाई नहीं रोकेंगे, सब चीज के दाम बढ़ाएंगे, बिहार पर करारा जवाब देंगे, जनता जवाब देगी। गरीबों पर कर ढाल रहा है, हर विभाग पर कर ढाल रहे हैं, इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना आतंकवादी कश्मीर में 370 हटाएंगे, क्या हुआ? चुनाव नहीं कराना, क्या नहीं चुनाव करा रहे हैं भैया? सरस्वती शासन लगाए हुए हैं, हिम्मत है तो चुनाव कराओ ना, पहले वहाँ कराना चाहिए ना। बोलते हैं कि मणिपुर में हो रहा घटना काहे नहीं रुक रहा है? करारा जवाब बिहार के लोग देंगे, बिहार के जनता तो बताएगा। अभी वड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी प्रवासे हता। प्रोटोकॉल मुजब तेमनु स्वागत करवा माटे राज्यना डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेव पण त्यां हाजर हता। आ दरमियान पीएम मोदी ना भाषण पछी जारे टीएस सिंहदेव नो बोलवानो वारो आव्यो त्यारे तेमणे पीएम ना खुल्लेआम वखाण कर्या, जे बाद तेमना पक्षमां विवाद थयो अने तेमणे जाहेरमां खुलासो आपवो पड्यो। छत्तीसगढ़ना डेप्यूटी सीएम टीएस सिंहदेवे कह्युं हतुं के हुं अहीं कहेवा मांगतो नथी के सरकारे क्यारे अमारा राज्य साथे भेदभाव कर्यो नथी, जो अमे काम कर्यु अने राज्य पासेथी मांगणी करी तो केन्द्र सरकारे भागीदार तरीके काम कर्यु, अमारा हाथ क्यारे नथी रह्या, चुस्त अने हुं मानुं छुं के आवनारा समयमां आपणे साथे मळीने आ देश अने आ राज्यने आपणा संघीय माळखानी व्यवस्थामां आगळ लई जवानुं चालु राखीशुं। केन्द्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी विपक्षी गठबंधन ने घमंडी गठबंधन गणाव्यु हतु। आ मामले कांग्रेस सांसद शशि थरूरे वर्तो प्रहार कर्यो छे। तेमणे कह्युं छे के तेमना मां सत्तानो घमंड स्पष्ट देखाई रह्यो छे, जेओ अहंकारी छे तेओ ज सत्तामां छे, जे आपणे रोज जोवा मळे छे। तेमणे कह्युं छे के मने लागे छे के अमे गठबंधन ने जे नाम आप्युं छे ते तेमनाथी सहन थतुं नथी, जेथी तेओ आवी प्रतिक्रिया आपी रह्या छे। बंधारणमां आपणा देशना बन्ने नामोनो उल्लेख छे, तेमांथी कोई एकनो उपयोग करवामां शुं वांधो छे? लोकसभानी चूंटणीनी तारीखोने लईने शशि थरूरे कह्युं छे के अमने अपेक्षा छे के चूंटणी योग्य समय थशे, हजु ते माटे 6-9 मासनो समय छे, जो के शक्यता ए पण छे के सरकार चूंटणी वहेली करावी शके छे, जेथी अमारे जल्दीमां जल्दी तैयार थई जवानी जरूर छे। Time which is 6-9 months away, but it's also possible that the government might advance the elections as we've been hearing, and we need to be prepared sooner rather than later. To the opposition is a bit unnecessary and a bit futile, because those who are arrogant are the ones who are in power. That's what we are seeing every day. I think that clearly the name we have given the alliance has got under their skin, and that's why they are reacting in this exaggerated way. कांग्रेस नेता पवन खेराए पीएम मोदी ना ग्लोबल नेताओं ने रेटिंग में आगळ आववा मुद्दे आकरी प्रतिक्रिया आपी हती। तेमणे कह्युं के ज्यारे कोई पण आ युवतीओनो उपयोग करे छे त्यारे आपणे समजवुं जोईए के आगळ शुं थवानुं छे। ते वैश्विक नेता बन्या अने यूके छोड़ी दीधुं पीएम ऋषि सुनक पाछळ, ज्यारे ऋषि सुनक साथे चूंटणी लड़वानी जरूरत नथी, तमे यूएस प्रमुख जो बाइडेन अने यूकेना पीएम ऋषि सुनक साथे केम स्पर्धा करी रह्या छो? आ तेमनी वच्चेनी गभराट दर्शावे छे। इस तरह के हथकंडे अपनाती है ना, तो समझ लीजिए कि उनको समझ में आ गया है क्या होने वाला है। ग्लोबल लीडर बन गए साहब, और ऋषि सुनक को पीछे छोड़ दिया। चुनाव आपका ऋषि सुनक से नहीं होना, चुनाव आपका इस देश की जनता से होना है। वोटर इस देश की जनता है, ऋषि सुनक के वहां के लोग नहीं आपको वोट देने आ रहे। अभी आपने उनका सम्मान किया, आपने तमाम अतिथियों को बुलाया, और वो अभी घर पहुंचे, उनका है वो उतरा भी नहीं होगा जेटलैग। आप उनका अपमान कर रहे हो कि साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी तो ऋषि सुनक से भी आगे हो गए और जो बाइडेन से भी आगे हो गए। हैदराबाद में करप्ट वर्किंग कमिटी ना पोस्टर वायरल थवा बाबते बात करता कांग्रेस ना नेता पवन खेड़ाए दावो कर्यो छे कविता ना परिवार में भ्रष्टाचार मुद्दे समझूती करवामां आवी छे। तेमणे गंभीर आरोप लगावता कह्युं छे के हैदराबाद में
कविताना भाई द्वारा भ्रष्टाचार आचरवामां आवे छे, ज्यारे तेलंगाणानी जवाबदारी तेमना पिताની છે। આ સાથે જે તેલંગાણાના બહારના ક્ષેત્રમાં આચરવામાં આવેલા ભ્રષ્ટાચારમાં કે કવિતા સંડોવાયેલા છે। કવિતા ચિંતિત છે કે જો તેઓ ચૂંટણી હારી જશે તો તેમના ભાઈ અને પિતા તેલંગાણાની બહાર ભ્રષ્ટાચાર કરવાનો વિચારશે। સમજાતા હુઆ हैदराबाद के भीतर जो भ्रष्टाचार होता है वो तो उनका भाई करेगा, तेलंगाना में जो भ्रष्टाचार होता है वो पिता करेंगे, और तेलंगाना के बाहर का जिम्मेदारी जो है वो के कविता को सौंपी गई है। आपको मालूम है लिकर्स के अमोर सब आपने देखा, तो ये जो समझौता हुआ है उसके तहत वो बड़ी परेशान हो रही है कि अब हार न जाए, जो मान लो तेलंगाना से वो इलेक्शन हारेंगी तो भाई और पिता फिर बाहर का भ्रष्टाचार करने की सोचेंगे, वो परेशान है। छत्तीसगढ़ना मुख्यमंत्री भूपेश बघेले जणाव्युं छे कि पीएम मोदी रायपुर में संबोधन दरमियान केटलीक बाबतोमां जूठाणू फैलाव्युं छे। रायपुर में वडाप्रधान मोदीए जणाव्युं छे कि केन्द्र सरकारे चोखा खरीद्या पछी वास्तवमां छत्तीसगढ़ सरकारे तेनी खरीदी करी हती। पीएम मोदीए प्रदेश में कोरिडोरनुं उद्घाटन कर्युं छे परंतु तेमां केटलाक लोको मुसाफरी करशे। बघेले आरोप लगाव्यो कि पीएम केटलाक लोकोने फायदो अपावा माटे आ काम कर्या छे। जिन बातों को फिर आए यहाँ और झूठ परोस के चले गए, जैसे रायपुर में कहा हम धान खरीदते हैं, झूठ बोल गए छत्तीसगढ़ सरकार खरीदती है, अभी आए तो फिर झूठ बोल के चले गए। गोबर गौठान के बारे में बात उन्होंने की, 265 करोड़ का गोबर खरीदे हैं, अब 1300 करोड़ का आरोप लगा रहे हैं। अब विभिन्न मंचों में खुद प्रधानमंत्री जी तारीफ कर चुके हैं, नीति आयोग में तारीफ कर चुके हैं, उस बैठक में तारीफ की, हम लोग सब सारे मुख्यमंत्री उपस्थित थे। ये आरोप लगाने के अलावा क्या है? अभी जो कॉरिडोर का उद्घाटन किए हैं कितने यात्री उसमें चढ़ेंगे भाई, ये सब वो अडानी के लिए सब करने आए हैं, उसकी खदान के लिए। सनातन धर्म टिप्पणी विवाद पर प्रतिक्रिया आपता मध्य प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथे जणाव्युं के भारत सनातन धर्म नो देश छे, सनातन धर्म शुं कहे छे ए आपणे समजवानी जरूर छे। तेमणे आरोप लगाव्यो कि सनातन धर्म विवाद नो मुद्दो लावी भाजपे वास्तविक मुद्दाओ परथी लोकोनो ध्यान भटकाववानो प्रयास कर्यो छे। वर्ष 2019 नी लोकसभा चूंटणी दरमियान राष्ट्रवाद अने सर्जिकल स्ट्राइक जेवा मुद्दा सामे आव्या हता, परंतु શું ભાજપે ધર્મની એજન્સી લીધી છે? કમલનાથે કહ્યું છે કે છિંદવાડામાં યોજાયેલા ધાર્મિક કાર્યક્રમ તો ભાજપને એ ગમ્યું નહીં, તેના પર પણ ટીકા ટિપ્પણીઓ કરવામાં આવી હતી। આગામી 3 મહિનાના સમયગાળામાં ભાજપ ધ્યાન ભટકાવવાનો ભરપૂર પ્રયાસ કરશે। ભારતીય જનતા પાર્ટી કા પ્રયાસ ક્યા ધ્યાન મોડમાં એપે સનાતન ધર્મ કી કોન્ટ્રોવર્સી લે આવો, આપકો યાદ હે 2019 કે ચુનાવ મેં राष्ट्रवाद, सर्जिकल स्ट्राइक, कैसे ध्यान मोड़ो, जैसे कि इन्होंने ठेका लिया हुआ है धर्म का, इन्होंने एजेंसी ली हुई है। मैंने अगर कोई धार्मिक कार्यक्रम मेरे छिंदवाड़ा में हुआ, इनके पेट में दर्द होने लग जाता। हम मंदिर जाते हैं अपनी भावनाओं से जाते हैं, हम मंदिर धर्म को राजनीतिक मंच पर नहीं लाते और लाना भी नहीं चाहिए। कैसे धार्मिक विवाद हुए ये इनका प्रयास रहेगा, ताकि जो मूल्य बात है, जो असली बात है, उससे वो चर्चा से हट जाए। आंध्र प्रदेश ना पूर्व मुख्यमंत्री और पिता चंद्रबाबू नायडू की धरपकड़ विषय बात करता तेमना पुत्र नारा लोकेशे जणाव्युं छे कि राज्य सरकार सत्ता नो दुरुपयोग करीने ईमानदार व्यक्तिओने जेल में धकेली रही छे। चंद्रबाबू नायडूना किस्सामां पण कंईक आवुं ज बन्युं छे। आंध्र प्रदेशनी सरकार चंद्रबाबू नायडू सामे नाणाकीय गैररीति पुरवार करी शके नथी। स्किल डेवलपमेंट प्रोजेक्टने लगता तमाम दस्तावेज अने पुरावा अमारी पासे छे, आ पुरावाओने हुं कोर्टमां रजू करीश। तेमणे कह्युं छे कि न्यायमां विलंब थई रह्यो छे, परंतु चंद्रबाबू नायडू निर्दोष बहार आवशे अने भ्रष्टाचारमां संडोवायेला न होवानी साबिती आपशे। 45 वर्षनी राजकीय कारकिर्दीमां तेमना गैररीतिना गंभीर आरोप लाग्या नथी। The government of Andhra Pradesh has not been able to establish any money trail to Mr. Naidu. The state government has used its absolute power to put him behind bars, and that is what has happened. See, justice is being delayed, but justice cannot be denied. Mr. Naidu will come out clean, and he will stand as a standing example for an uncorruptible politician. કર્ણાટકના મુખ્યમંત્રી સિદ્ધારમૈયાને વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધને 14 એન્કર્સના શોમાં તેમના પ્રતિનિધિ ન મોકલવાના નિર્ણય પર
પ્રતિક્રિયા આપતા જણાવ્યું છે કે એક રાજકીય પક્ષનું મુખપત્ર બનીને મીડિયાની નીતિમત્તા સાથે ચેડા કરતા 14 એન્કરનો બહિષ્કાર કરવો એ કેવી રીતે ખોટું હોઈ શકે. ભાજપના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જેપી નડ્ડાએ અગાઉ જણાવ્યું કે આ રાજકીય પક્ષોમાં ઇમરજન્સીની માનસિકતા બની ગઈ છે. પહેલા પંડિત નહેરુએ ફ્રી સ્પીચને કમજોર કરી અને રાજીવ ગાંધી તેના કાબુ મેળવવાનો પ્રયાસ કર્યો પરંતુ નિષ્ફળ રહ્યા હતા. વિપક્ષી ઇન્ડિયા ગઠબંધને કેટલાક ટીવી ચેનલ એન્કર્સના શોમાં પોતાના પ્રતિનિધિઓને ન મોકલવાનો નિર્ણય લીધો છે ત્યારે આ વિશે પ્રતિક્રિયા આપતા આસામના મુખ્યમંત્રી હેમંત બિસ્વા શર્માએ જણાવ્યું છે કે મીડિયા બહિષ્કાર અને સેન્સરશીપના ઇતિહાસની શરૂઆત વર્ષ 1975માં થઈ હતી. આ કોઈ નવી બાબત નથી, આ તો માત્ર એક રિહર્સલ સમાન છે. જો કોંગ્રેસની સરકાર આવશે તો તેઓ મીડિયા સેન્સરશીપને લાગુ કરશે. ઇસરોએ એ યોગ્ય સમયમાં ચંદ્રયાન બનાવ્યું છે. હું સમગ્ર કોંગ્રેસ પાર્ટીને ચંદ્ર પર મોકલી દઈશ જેથી કરીને ત્યાં તેઓ સરકાર બનાવી શકે. उनका जो ये नेशा है मीडिया को बॉयकट करना, सेंसरशिप लगाना, इसका इतिहास तो 1975 से शुरू होता है. तो ये कोई नया नहीं, ये आपका रिहर्सल है. अगर कोई कारण में कांग्रेस का सरकार आए तो मीडिया को ही ऐसा सेंसर करेगा. लेकिन ठीक समय ने इसरो ने सनराइन बना लिया. पूरा कांग्रेस पार्टी को हम सनर तक भेज दूंगा कि उधर ही जाकर सरकार बनाओ और उधर ही जाकर बैन उन लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है.